Hello guys, welcome to Study with Fascination. This is NSO Olympiad Class 8, Chapter 15, Light. Question 1. Which one of the following is correct? इनमें से कौन सा figure correct है? दो तरह के medium होते हैं. एक होता है rarer medium और एक होता है denser medium. जो rarer medium होता है, इसमें light की speed ज़्यादा होती है और जो denser medium होता है, इसमें light की speed कम होती है. जब light rarer medium से denser medium में जाती है, तो वो normal की तरफ bend होती है. ये लाइन है हमारी नॉर्मल. जब लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी. तो जो करेक्ट फिगर है वह ऑप्शन डी. क्वेश्चन 2. विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम शोन बिलो रिप्रेजेंट द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f. इनमें से कौन सा डायग्राम रिप्रेजेंट करता है इमेज को जो कि एक कन्वेक्स लेंस बनाता है अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f के पीछे रखें. यह है हमारा 2f और हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ. एक कन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट 2f से पीछे होगा तो जो उसकी इमेज होगी वो f और 2f के बीच में बनेगी. दूसरी साइड जो इमेज होगी वो रियल होगी, यानी कि हम उसको स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं. इन्वर्टेड होगी. जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है और डिमिनिश्ड होगी साइज में देन ऑब्जेक्ट, यानी इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से छोटी होगी. इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए. जो ऑब्जेक्ट बी है ये रखा मैंने 2f से पीछे और जो इसकी इमेज बनी वो बनी f और 2f के बीच में. क्वेश्चन 3. इफ टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू ईच अदर हाउ मेनी इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर सीन. अगर दो प्लेन मिरर को हम 90 डिग्री के एंगल पर रखें और उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट को रखें तो उस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेंगी. इसे एक सर्कल में बनाने के बाद अगर हम इसके इक्वल पार्ट्स करेंगे तो 90 डिग्री के एंगल पर सर्कल के चार इक्वल पार्ट्स होंगे. उनमें से एक पार्ट में हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो जो इमेज होगी वो बाकी के तीन पार्ट्स में बनेगी. इसका एक फॉर्मूला है 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस वन. जो थीटा है ये वैल्यू होगी हमारी जो एंगल हमें दिया गया है. इस केस में जो एंगल है वो है 90 डिग्री तो जो इमेज फॉर्म होगी वो होगी 360 डिग्री अपॉन 90 माइनस 1. तो जो आंसर आएगा वो आएगा 3. तो जो हमारा आंसर है वह ऑप्शन सी ओनली 3. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव लेंस. जो एक कनकेव लेंस इमेज बनाता है वो हमेशा वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है यानी सीधी होती है, डिमिनिश्ड इन साइज होती है, यानी ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रखें जो उसकी इमेज होगी वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होगी और हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनती है. अगर ये कनकेव लेंस है तो इस पर ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर. और अगर हम इस सर्कल को कंप्लीट करें तो इस सर्कल का सेंटर जहां होगा उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन दोनों के बीच में होता है हमारा फोकस. तो जो इमेज बनेगी वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी. स्टेटमेंट फर्स्ट. द नेचर ऑफ इमेज डज नॉट चेंज मच विद द चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. जो नेचर ऑफ इमेज है वो चेंज नहीं होगा अगर हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज करें. ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखें जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और छोटी होगी साइज में देन द ऑब्जेक्ट. स्टेटमेंट 2. ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड. ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. स्टेटमेंट 3. द इमेज इज लार्जर इन साइज. ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. जो इमेज होगी वो छोटी होगी साइज में. स्टेटमेंट 4. इमेज इज नेवर फॉर्म्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. जो इमेज होगी वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगी. तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन बी ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड. जो फर्स्ट और सेकंड है ये करेक्ट है और थर्ड और फोर्थ हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. क्वेश्चन 5. इफ अ पर्सन वांट्स टू सी एन एनलार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस देन द लेंस मस्ट बी हेल्ड. अगर एक आदमी एनलार्ज साइज इमेज देखना चाहता है एक ऑब्जेक्ट की एक कन्वेक्स लेंस में तो उसे लेंस को किस तरह रखना होगा. जो कन्वेक्स लेंस होता है वो हमारी रियल इमेज बनाता है, रियल और इन्वर्टेड.
लेकिन एक केस में जो कन्वेक्स लेंस है वो वर्चुअल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट। अगर हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखें, ये जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ में रखें तो जो उसकी इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। बाकी सभी केसेस में जो ऑब्जेक्ट की इमेज होती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है। लेकिन अगर कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ में किसी ऑब्जेक्ट को रखें तो उसकी इमेज वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। वर्चुअल मतलब उसे हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, और इरेक्ट मतलब सीधी। जो ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी ये साइज में हाईली एनलार्ज्ड होगी। इसका मतलब जो ये इमेज है ये हाईली मैग्निफाइड होगी, बहुत ज्यादा बड़ी होगी असली वाले ऑब्जेक्ट से। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्लोज टू द ऑब्जेक्ट सो दैट ऑब्जेक्ट लाइज विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। कि हम लेंस को इतना पास लाएं ऑब्जेक्ट के कि जो ऑब्जेक्ट है वो लाई करे विद इन द फोकल लेंथ। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम्स शोन बिलो शोज रिस्पेक्टिवली द शॉर्ट साइटेडनेस कंडीशन एंड इट्स करेक्टनेस बाय यूजिंग अ लेंस। में से कौन से दो डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट साइटेडनेस कंडीशन को और उसका करेक्टनेस? शॉर्ट साइटेडनेस का दूसरा नाम है मायोपिया। इस कंडीशन में जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं वो हमें क्लियरली नहीं दिखते, मगर जो पास के ऑब्जेक्ट हैं वो हमें क्लियरली दिखते हैं। इस कंडीशन में जो इमेज बनती है वो रेटिना से पहले बनती है, वो रेटिना पर नहीं बनती, उससे पहले ही बन जाती है। इसको करेक्ट करने के लिए हमें एक कनकेव लेंस की जरूरत होती है, क्योंकि जो कनकेव लेंस है वो एक डाइवर्जिंग लेंस है, उसमें से अगर हम लाइट बीम को पास करेंगे तो वो उसको डाइवर्ज कर देगा यानी कि फैला देगा। और ये ज्यादा फैलने के बाद जब आंख वाले कन्वेक्स लेंस से गुजरती है तो वो रेटिना पर जाकर मीट करती है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, बी एंड डी। जो फिगर डी है इसमें जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन गई, और ये कंडीशन है हमारी मायोपिया की यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस। और इसकी करेक्टनेस है फिगर डी, इसमें हमने कनकेव लेंस यूज किया, इसने डाइवर्ज किया लाइट को, और जो आंख में कन्वेक्स लेंस है इसने उनको फिर से कन्वर्ज किया यानी कि मिलाया ठीक पॉइंट पर जो है रेटिना। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, बी एंड डी। क्वेश्चन 7, अ प्रिज्म स्प्लिट्स अप द लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स बट अ ग्लास स्लैब डज नॉट शो डिस्पर्जन बिकॉज। जो एक प्रिज्म है वो स्प्लिट करता है लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में, लेकिन जो ग्लास स्लैब है वो नहीं करता। क्यों? जो ये प्रोसेस होता है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर, इसे हम कहते हैं डिस्पर्जन। जब एक लाइट रे गुजरती है एक प्रिज्म में से तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होती है और वो वापिस से रिफ्रैक्ट होती है और हमें अलग अलग लाइट के कलर्स दिखते हैं। अगर ये एक ग्लास स्लैब है, ये एक डेंसर मीडियम है और जो एयर है वो एक रेयरर मीडियम है, तो इसमें से जब लाइट आएगी तो वो कुछ बेंड होगी और इस बेंडिंग को हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्ट होने के बाद ये वापिस से डेंसर से रेयरर में जाएगी, और डेंसर से रेयरर में जाने के दौरान ये नॉर्मल से दूर जाएगी। ये जो हमारी लाइट है इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। जो एक ग्लास स्लैब के अंदर लाइट है इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो ग्लास स्लैब से बाहर निकली इसे हम कहते हैं एमरजेंट रे। अगर हम इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड करें और एमरजेंट रे को भी आगे एक्सटेंड करें तो हमें पता लगेगा कि जो ये दोनों रे हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इसका जो आंसर है वह ऑप्शन बी, द इंसिडेंट एंड एमरजेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। क्वेश्चन 8, द डायग्राम शोज अ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड एट अ प्लेन मिरर, व्हिच पेयर ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज करेक्ट। एक रे ऑफ लाइट है उसे रिफ्लेक्ट किया गया एक प्लेन मिरर से, इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है इसे हम मेजर करते हैं नॉर्मल से। तो ये अगर हमारी इंसिडेंट रे है और ये है हमारी नॉर्मल, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ये होगा और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो ये होगा। अगर ये एंगल हमारा 60 डिग्री का है
और जो नॉर्मल होती है वो 90 डिग्री के एंगल पर होती है मिरर से, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा ये होगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 30 डिग्री है, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये इक्वल होते हैं, तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये भी होगा 30 डिग्री। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन ए, 30 एंड 30। क्वेश्चन 9, फॉर द मायोपिक आई द डिफेक्ट इज क्योर्ड बाय, एक मायोपिक आई के लिए जो डिफेक्ट है उसे किस तरह क्योर किया जाए। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, कनकेव लेंस। मायोपिया कंडीशन में हम कनकेव लेंस का यूज करते हैं उस कंडीशन को ठीक करने में, तो जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10, एन ऑप्टिशियन होल्ड अ टेस्ट कार्ड 50 सेंटीमीटर बिहाइंड अ पेशेंट, द पेशेंट देन लुक्स इन द प्लेन मिरर विच इज 100 सेंटीमीटर अवे, हाउ फार अवे द पेशेंट्स आईज इज द इमेज ऑफ टेस्ट कार्ड। एक ऑप्टिशियन ने एक टेस्ट कार्ड को होल्ड किया 50 सेंटीमीटर बिहाइंड द पेशेंट, यानी कि जो ये टेस्ट कार्ड है ये पेशेंट से 50 सेंटीमीटर पीछे है, और जो पेशेंट है वो मिरर से 100 सेंटीमीटर पीछे है। जो पेशेंट की आईज है और जो इमेज है टेस्ट कार्ड की उनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा। अगर पेशेंट और मिरर के बीच में 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो जो पेशेंट की इमेज होगी उसमें भी 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा, तो जो पेशेंट की इमेज होगी वो 100 सेंटीमीटर दूर होगी। अगर टेस्ट कार्ड पेशेंट से 50 सेंटीमीटर पीछे है तो जो इसकी इमेज होगी उसमें भी जो टेस्ट कार्ड है वो पेशेंट से 50 सेंटीमीटर पीछे होगा। हमें डिस्टेंस पूछा गया है आई से लेकर इमेज ऑफ टेस्ट कार्ड तक, ये जो डिस्टेंस है ये है हमारा 100 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस है ये है हमारा 100 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस है हमारा 50 सेंटीमीटर, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो है 250 सेंटीमीटर। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन डी।